हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग पॉलीमर कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने डीजीटी साइंस की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। जितने भी आपके एग्जाम है, डी ट्रिपल एस भी है, चंडीगढ़ डीजीटी है, या फिर आपका सीटेट पेपर टू है, या फिर आपका एसटेट है, या फिर कोई भी आपका डीजीटी साइंस से रिलेटेड एग्जाम है, उसके अंदर, सबके अंदर जो ये साइंस जो मैं करवा रही हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हमने पॉलीमर स्टार्ट किया हुआ है। पॉलीमर के अंदर हमारी दो क्लासेस हो चुकी है, आज थर्ड क्लास है और लास्ट क्लास है पॉलीमर की। अभी तक हमने क्या किया है बच्चों, कि जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर क्या है? पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन्स यूनिट, बहुत सारी यूनिट, ठीक है। तो पॉलीमर्स किससे मिलकर बना होता है? मोनोमर से। पॉलीमर किससे मिलकर बना होता है? मोनोमर से। ऑल पॉलीमर आर माइक्रो मोलिक्यूल्स, सभी पॉलीमर माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, बट सभी माइक्रो मोलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने पॉलीमर का किया था क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द मोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर बेस्ड पॉलीमर कितने टाइप का होता है? चार टाइप का हमने यहाँ पे किया था, थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर्स और फाइबर, ठीक है। बेस्ड ऑन द सोर्सेस, सोर्सेस के ऊपर बेस्ड पॉलीमर कितने टाइप का होता है? नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। यहाँ से मैंने आपके इसके एग्जाम्पल भी लिखवाए थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूँ सेलुलोज है वो नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेलुलोज है एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे डी ट्रिपल एस में पूछा था जो रियोन है वो क्या है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल पॉलीमर है, तो ऐसे आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ सकता है। दूसरा, तीसरा क्लासिफिकेशन क्या था? बेस्ड अपॉन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक, ये हमने तीन किए थे कि जो पॉलीमर है या तो उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होगी या ब्रांच स्ट्रक्चर होगी या फिर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होगी। नेक्स्ट था बेस्ड अपॉन सिंथेसिस, सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड। तो यहाँ से सिंथेसिस के ऊपर बेस्ड दो टाइप का हमारा पॉलीमर था, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर वो होते हैं बच्चों जहां पर मोनोमर यूनिट जुड़कर आपस में कोई भी साइड प्रोडक्ट को ना बनाए, ठीक है। यानी कि मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ेगी, कोई साइड प्रोडक्ट यहाँ से नहीं निकलेगा। इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा ये पूछेगा पीवीसी है, एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है या बोथ है या फिर नन ऑफ दिस, ऐसे आपसे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, वो एक एडिशन पॉलीमर है। तो ये सारे मैंने करवाए थे, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होता है जहां पर मोनोमर यूनिट जुड़कर आपस में कोई भी साइड प्रोडक्ट को निकाले, जैसे वो वाटर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद जो हमने एडिशन पॉलीमर किया था उसका फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने करवाया था वो करवाया था पोलिथीन, और पोलिथीन को मैंने बहुत डिटेल में करवाया था। पोलिथीन के लो डेंसिटी पोलिथीन और हाई डेंसिटी पोलिथीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट क्या होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल किए थे, नियोप्रीन था, नेचुरल रबड़ था, सिंथेटिक रबड़ था, बुना एस था, बुना एन था, ये सारे लगभग एग्जाम्पल सारे मैं कवर करवा चुकी, यानी कि हमारा एडिशन पॉलीमर मैंने पिछली क्लास में खत्म कर दिया था, ठीक है। अब हमारा बचता है कंडेंसेशन पॉलीमर, अब हमारा बचता है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर में सबसे पहला एग्जाम्पल है, अभी हम कर रहे हैं पॉलीअमाइड, ठीक है, अभी हम कर रहे हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड क्यों है अभी बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल है नाइलोन 66, सबसे पहला एग्जाम्पल है नाइलोन 66 कंडेंसेशन पॉलीमर में। इसमें इसकी जो मोनोमर यूनिट पूछी जाती है, तो मोनोमर यूनिट क्या है इसकी? एडिपिक एसिड, ये होता है फॉर्मूला एडिपिक एसिड का, ठीक है, CH2COH प्लस, साथ में क्या है, हेक्सामिथाइल डायामीन, ठीक है। यहाँ पर एमीन ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप है, इसलिए ये क्या है, पॉलीअमाइड है, ठीक है। एमीन ग्रुप की वजह से क्या है, पॉलीअमाइड है। तो इसकी मोनोमर यूनिट पूछी जाती है एडिपिक एसिड हेक्सामिथाइल डायामीन, ठीक है। अब इसके यूजेस भी काफी बार पूछे जा चुके हैं, नाइलोन 66 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूजेस पूछ, मतलब पूछ सकता है यूजेस आप लोगों से भी, ठीक है। पैरासूट है, मशीन पार्ट बनाने के लिए, टायर्स बनाने के लिए, एयर बैग बनाने के लिए इसलिए यूज किया जाता है नाइलॉन 66 के लिए, पैरासूट बनाने के लिए, मशीन के जो पार्ट है उनको बनाने के लिए, टायर्स बनाने के लिए, एयर बैग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नाइलॉन 610, ठीक है, नाइलॉन 610, इसके जो मोनोमर होते हैं वो कौन से हैं? सीबेसिस एसिड, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 लगाना बस आपको, यहाँ पर एडिपिक एसिड पे 4 है, CH2 4, यहाँ पर CH2 8 है, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसा, मतलब ये ऐसे का ऐसा, CH2 की होल 6, NH2 और NH2, ठीक है। ये क्या है, हेक्सामिथाइल डायामीन, हेक्सामिथाइल डायामीन।
ये ऐसे का ऐसा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8, याद रह जाएंगे ऐसे। नाइलोन 6 10, ठीक है, नाइलोन 6 10। यूजेस क्या है इसके? बुर्सेस बनाने के लिए, सीट्स बनाने के लिए, ट्यूब बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब आपसे ऑप्शन में आ जाए, ट्यूब बनाने के लिए बताओ नाइलोन 6 6, नाइलोन 6 10, नाइलोन 2 6, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूब बनाने के लिए किसका यूज होता है, नाइलोन 6 10। सभी एग्जाम्पल याद नहीं रहते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। सारे एग्जाम्पल याद नहीं होते, किसी को भी नहीं होते, ठीक है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको देखते ही पता होनी चाहिए कि ये इससे मिलकर बना है, ठीक है। तो यहां से जैसे एक ट्यूब याद रखना, ठीक है, यहाँ से जैसे पैरासूट याद रखना, एयरबैग याद रखना, एक दो चीज ऐसी होती है जो बिल्कुल मतलब आपको, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही रिपीट होती है, यही पूछी जाती है, तो आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। 10 नाइलॉन 2 6, नाइलॉन 2 6, ठीक है। इसके मोनोमर पूछे जाते हैं, तो ग्लाइसिन, इसका एक मोनोमर है ग्लाइसिन और 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड, 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड और ग्लाइसिन इसका क्या है, मोनोमर, ठीक है। अब यहां से देखो ये क्या है, पॉलीअमाइड है, ये है पॉलीअमाइड, क्योंकि इसमें क्या अमाइड ग्रुप, कंडेंसेशन अगर पूछे ये सारे, ये एडिशन पॉलीमर है या कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो ये आपस में जुड़ेंगे तो यहां से, आपस में जुड़ेंगे तो यहां से एक एच, यहाँ पे 2H है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, COH और H2 है, तो एक एच इसका और एक एच इसका, यानी कि H2 को रिमूव कर देंगे और ऐसे जुड़ेंगे, ये CO और ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, रिमूवल होता है। जब भी इनकी मोनोमर यूनिट आपस में जुड़ती है तो या तो ये रिमूव करती है H2 मॉलिक्यूल या अमोनिया को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो ऐसे ये जुड़ते हैं। जैसे यहां से जुड़ेंगे तो OH और ये, ठीक है, तो ये आपस में ऐसे जुड़ते हैं, इसलिए क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीएस्टर, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीएस्टर, इसके अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके अंदर एस्टर ग्रुप होगा, जैसे इसके अंदर क्या था, अमाइड ग्रुप था, वैसे इसके अंदर एस्टर ग्रुप है। सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, पूछ सकता है क्या, बहुत बार पूछा हुआ है, जैसे पॉलीअमाइड पूछेगा कि कौन सा इसके अंदर पॉलीअमाइड नहीं है, नाइलॉन 6 6, नाइलॉन 6 10, नाइलॉन 2 6, या फिर यहां से एक डेक्रोन दे देगा आपको, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक पॉलीएस्टर है, ये पॉलीअमाइड नहीं है। पता कैसे होगा, जब इसकी मोनोमर यूनिट आपको पता होगी, ठीक है। तो यहां से देखो पॉलीएस्टर, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डेक्रोन, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, खासकर इसकी सिर्फ मोनोमर यूनिट्स पूछी गई, ठीक है, इसके मोनोमर आपको याद होनी चाहिए, इसके मोनोमर यूनिट है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिपैथिलिक एसिड, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम भी आपसे पूछ सकता है, बेंजीन 1,4-dicarboxylic acid, ठीक है, बेंजीन 1,4-dicarboxylic acid, ये बेंजीन है 1,2,3,4, 1,4-dicarboxylic acid, ठीक है, तो ये आपको इसकी पता होनी चाहिए। तो जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्लोथ बनाने के लिए, जैसे साड़ी है, हार्ड क्लोथ जो साड़ी है, ड्रेसेस है, ये बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डेक्रोन का, ठीक है, डेक्रोन पॉलीमर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइटल, ठीक है, इसकी आपको सिर्फ मोनोमर यूनिट अच्छे से लर्न होनी चाहिए, मोनोमर यूनिट कौन सी है, इथाइलिन ग्लाइकोल, सेम इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था, 1,4 पोजिशन के ऊपर COH ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पर 1,2 पोजिशन के ऊपर COH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, पैथलिक एसिड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2-dicarboxylic acid, बेंजीन 1,2-dicarboxylic acid, IUPAC nomenclature अच्छे से कर लो, ये तुम्हें काम आएंगे अगर केमिस्ट्री कर रहे हो तो, ठीक है, ये क्या है, बेंजीन 1,4-dicarboxylic acid, ठीक है। अब इसका जो यूजेस है, यूजेस क्या है इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, पेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, पेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। आपसे पूछेगा पेंट बनाने के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग, तो एक दो एग्जाम्पल ऐसा होता है जो बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए, वैसे ये पेंट वाला ऑप्शन ऐसा ही है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो पेंट बनाने के लिए हम कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीएस्टर के अंदर हमारे पास है PHBV, ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ, PHBV क्या होता है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है, मैंने बताया था PHBV क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसकी सिर्फ आपको मोनोमर यूनिट याद रखनी है, सिर्फ मोनोमर यूनिट याद रखनी है,
देखो यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, 3 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी, 4 के लिए क्या आएगा ब्यूट, और इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आएगा ओइक एसिड, ऐसे याद कर लेना, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड इसकी क्या है मोनोमर। नेक्स्ट कौन सा है, 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इसकी मोनोमर कौन सी हुई, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, जो कि एक क्या है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। बस इसके बारे में आपको इतना ही याद करना है, इसकी मोनोमर यूनिट याद करनी है, दूसरा ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, ठीक है, और ये क्या है पॉलिएस्टर, इसके अंदर एस्टर ग्रुप प्रेजेंट है, पॉलिएस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के अंदर जो ग्रुप है फॉर्मल्डिहाइड है, इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, बैकेलाइट एंड मेलामीन्स, ठीक है। सबसे पहला जो बैकेलाइट है, सिर्फ आपको इसका मोनोमर याद करना है, मोनोमर इसका है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड दोनों में ही लगेगा क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन है ये आपस में जब जुड़ेंगे, देखो आपको सिर्फ जितना आपको याद रखना उतना बता दो, बैकेलाइट के अंदर सिर्फ आपको ये याद रखना फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड है, इसके मोनोमर है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, इसलिए बैकेलाइट को फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन भी बोलते हैं, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मोनोमर है फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब जब ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को आपस में जोड़ते हैं, जब बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पर क्या बना है हाइड्रोऑक्सीबेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, इससे फिर आगे क्या बनता है हमारा बैकेलाइट बनता है, ठीक है। बैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड होता है, काफी मतलब क्रॉस लिंक्ड, क्योंकि हम कंडेंसेशन कर रहे हैं, यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या है क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। आपको इतना नहीं करना, बस आपको इसका मोनोमर याद करना है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड बैकेलाइट का क्या है मोनोमर, ठीक है। जानकारी के लिए बता देते, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, ये जब आपस में जुड़ते रहेंगे एन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बोलेंगे बैकेलाइट। इसका यूजेस याद रख लेना, यूजेस इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर में इसका यूजेस किया जाता है, रेडियो के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके आपको मोनोमर और इसके दो यूज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मेलामीन्स फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड रिजाइन, इसका ये जो मोनोमर है वो क्या है, एक तो मेलामीन खुद ही है और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड है, मेलामिन और फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पर जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कुछ मोनो एक इंटरमीडिएट बनाएंगे, उसी इंटरमीडिएट से हमारा जो पॉलीमर बनेगा, ठीक है। हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है इसका मोनोमर कौन सा है, मेलामिन एंड फॉर्मल्डिहाइड। यूजेस क्या है, फ्लोर टाइल बनाने के लिए, किचन वेयर, जो अनब्रेकेबल कोकरी सेट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, मेलामिन से, ठीक है। तो आपको इतना यूजेस पढ़ना है। तो हमारा पॉलीमर यहीं पर खत्म होता है, पूरा डीपली मैंने पॉलीमर को करवा दिया, क्वेश्चंस लगा के देख लेना, एक क्वेश्चन भी आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यहाँ की जो पीडीएफ होती है मोस्टली जो चीजें होती है वो मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल देती हूँ, तो टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।